गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर से। आज बात करने वाले हैं थ्री साइंटिस्ट के बारे में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नेक्स्ट वन सेल्मन ए वैक्समैन के बारे में, एंड थर्ड है आपका द्विमिति लेवनवस्की। ठीक है, इन तीनों साइंटिस्ट को आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जो बॉर्न है वो हुआ था 1881 के अंदर, और 1955 के अंदर इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ये एक मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं थे। ठीक है, ही मेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सीडेंटल डिस्कवरी एवर, इट लीड टू ए ब्रेक थ्रू इन मेड साइंस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी जिसको एक्सीडेंटल डिस्कवरी माना जाता है, जो कि मेडिकल साइंस में बहुत ब्रेक थ्रू था। यानी कि मेडिकल साइंस में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो एकदम से नई कोई चीज़ डिस्कवर हो गई थी, जिसकी वजह से आज हमारे लिए भी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, एक ब्रेक मिल गया था आपकी मेडिकल साइंस को। सो इन 1928 फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। 1928 के अंदर फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर की, पेनिसिलिन। बेसिकली ये काम कर रहे थे इन्फ्लुएंजा वायरस पे। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस पे ये काम कर रहे थे, लेकिन एक्सीडेंटली इन्होंने ऑब्जर्व किया ये वाला कल्चर, यानी कि जिस जो इन्फ्लुएंजा वायरस पे काम कर रहे थे, एक्सीडेंटली उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कल्चर है उसमें जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है, ठीक है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो क्या हो रही है, वो इनहिबिट हो रही है। ठीक है, कैसे, अभी हम देखते हैं। 1928 में फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर की, पेनिसिलिन, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक। ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक या फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो क्या है, पेनिसिलिन। ठीक है, ही ग्रीव कल्चर ऑफ बैक्टीरिया ऑन पेट्री डिश इन दी हॉस्पिटल वेयर ही वर्क। जहाँ पर ये काम करते थे वहाँ पर ये क्या कर रहे थे, इन्फ्लुएंजा वायरस पे काम कर रहे थे, यानी कि जिस हॉस्पिटल के अंदर ये काम कर रहे थे उस टाइम पे, उसके अंदर वो किस पे काम कर रहे थे, इन्फ्लुएंजा वायरस पे काम कर रहे थे। वहीं पे उन्होंने अपने कल्चर्स लगा रखे थे बैक्टीरिया के। ठीक है, तो क्या हुआ, एक फंगल स्पोर हैपन टू कंटेमिनेट वन ऑफ द बैक्टीरिया। तो जिस एरिया में वो काम कर रहे थे उस एरिया में क्या हुआ, एक कंटेमिनेट यानी कि फंगल स्पोर आ गया। वो फंगल स्पोर जो बैक्टीरिया का कल्चर इन्होंने लगा रखा था उसको कंटामिनेट कर दिया उस फंगल स्पोर ने। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे फंगल यानी कि फंगस की ग्रोथ हो गई, यानी कि फंगल कॉलोनी वहाँ पे राइज हो गई या ग्रीव हो गई। ठीक है, तो जैसे ही उस पैट्री प्लेट के अंदर ये देखो, ये क्या आपकी पैक्ट्री प्लेट है, इस पे क्या था, बैक्टीरिया के कल्चर ग्रो कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने अपनी प्लेट्स लगा रखी थी, ये इन्होंने अपनी प्लेट्स रखी हुई है उस एरिया में जहाँ पर ये काम कर रहे हैं, उस हॉस्पिटल के अंदर जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक्सीडेंटली वहाँ पे कंटामिनेशन किसकी हो गई, फंगस की। तो यहाँ पे क्या कर गई, फंगस ग्रो कर गई। ठीक है, जैसे ही वहाँ पे फंगस ग्रो करना स्टार्ट हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो बैक्टीरिया की ग्रोथ थी ये क्या हो गई, यहाँ से कम हो गई, इनहिबिट हो गई। ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ खत्म हो गई, मतलब बहुत कम हो गई, जहाँ 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 पे फंगस ग्रो कर रही थी उसके आसपास जो है बैक्टीरिया हट गए, यानी कि उससे बहुत दूर चले गए। बेसिकली बैक्टीरिया अगर होंगे भी तो इस साइड पे होंगे। ठीक है, तो इसके आसपास जितने भी थे वो सारे बैक्टीरिया क्या हो गए, इनहिबिट हो गए, इनकी ग्रोथ खत्म हो गई। तो यही चीज उन्होंने ऑब्जर्व की, द बैक्टीरिया अराउंड द फंगल कॉलोनी फेल टू ग्रो एज वेल एज द बैक्टीरिया। यानी कि जो बैक्टीरिया फंगल कॉलोनी के आसपास थे वो क्या हो गए, वो बैक्टीरिया वहां पे ग्रो करे ही नहीं। ठीक है, यानी कि फंगस ग्रोथ के आसपास बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे थे। ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ऑन अदर एरिया ऑफ पैट्री डिश फ्रॉम दिस फ्लेमिंग डिडक्टेड दैट ए सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय फंगस मस्ट बी स्लोइंग डाउन दी बैक्टीरियल ग्रोथ। तो इसी से उन्होंने क्या बताया, इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें क्या पता चला, उन्हें ये पता चला कि जो उन्होंने ये फंगस जो उन्होंने ये कॉलोनीज लगाई हैं बैक्टीरिया की, जिसमें फंगस की ग्रोथ हो गई है, उस फंगस के अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस है या कुछ ऐसा एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है जो क्या कर रही है, जितने भी बैक्टीरिया हैं उसके आसपास उनकी ग्रोथ को स्लो डाउन कर रही है या उनकी ग्रोथ को ख़त्म कर रही है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व की। ही कॉल्ड दिस सब्सटेंस पेनिसिलिन। उन्होंने इस सब्सटेंस
को क्या बोला, पेनिसिलिन आफ्टर द फंगस ऑन द पेटिटिस पेनिसिलियम नोटेटम। सो बेसिकली इस कहानी में जो ये फंगस आई थी, ठीक है, ये जो फंगस आई थी इसका क्या नाम है, पेनिसिलियम नोटेटम इसका नाम था, ठीक है। इस फंगस का नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। इसी फंगस के नाम पे जो एंटीबायोटिक है उसका क्या नाम रखा गया, पेनिसिलिन। तो इस कहानी से हमें क्या पता चला कि ये मतलब ये क्या थी, एक एक्सीडेंटल आपकी डिस्कवरी थी, जिसमें कौन सी ड्रग आपकी डिस्कवर हुई, पेनिसिलिन, ठीक है। कैसे डिस्कवर हुई, ये किस पर काम कर रहे थे, ये इन्फ्लुएंजा वायरस पे, उस टाइम पे काम कर रहे थे, जिस हॉस्पिटल के अंदर ये काम कर रहे थे वहाँ का एरिया क्या था, कंटामिनेटेड था, ठीक है, या इतनी साफ़ सफाई वहाँ नहीं थी। तो जो कल्चर की प्लेट इन्होंने लगाई थी, बैक्टीरिया की जो कल्चर की प्लेट इन्होंने लगाई थी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, उसमें क्या हुआ, फंगल का स्पोर आया और उसने क्या कर दिया, ग्रो होना स्टार्ट हो गया उस पैट्री प्लेट पर, ठीक है। जैसे ही उसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट करी तो इस फंगस की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो बैक्टीरिया थे ये सभी बैक्टीरिया क्या हो गए, यहाँ से ख़त्म हो गई, या इनकी जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गई, ठीक है। पहले जैसे ही ग्रो कर रहे थे उसके मुकाबले यहाँ पे जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गई। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन से बताया कि इस जो फंगस है, इस फंगस के अंदर क्या है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब्सटेंस की, इसके अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो क्या कर रहा है, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो जब इस फंगस का पता चला तो इस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, तो ड्रग का नाम भी क्या रखा गया, एंटीबायोटिक का नाम क्या रखा गया, पेनिसिलिन, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट काम करती है, स्ट्रेफाइलोकोकस ऑरियस। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की या आइडेंटिफाई की, वो कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन है। थर्ड, कि कौन से बैक्टीरिया की ग्रोथ को वो इनहिबिट कर रही थी, स्ट्रेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। स्ट्रेफाइलोकोकस ऑरियस की ग्रोथ को वो क्या कर रही थी, इनहिबिट कर रही थी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1929 के अंदर डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, इन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि 1929 के अंदर जो इन्होंने 1928 के अंदर जो इन्होंने काम किया था, वो 1929 के अंदर वो एक हमारी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइलस्टोन में छप गया। यानी कि क्या हुआ, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई हमारी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, एक मेडिकल साइंस को एक राह दिखी अब आगे एंटीबायोटिक के ऊपर काम करने में, ठीक है। फिर 1941 के अंदर सर हावर्ड डब्ल्यू फ्लोरे, अर्नेस्ट बी चेन, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने डेवलप किया मेथड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन इन इंग्लैंड, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि हम कैसे इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस कर सकते हैं पेनिसिलिन को। सो बेसिकली अभी तक जो इन्होंने डिस्कवरी की थी, ठीक है, वो किसके थ्रू की थी, कि उन्होंने जो कल्चर प्लेट लगा रखी थी उसी पे जो फंगस ग्रो हुई उसी के थ्रू क्या हुआ, वो पेनिसिलिन फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अगर हम इसको लार्ज स्केल पे बनाना है, इंडस्ट्रियल एरिया पे बनाना है, तो उसके लिए जो मेथड दिया वो किसने दिया, फ्लोरे एंड चेन ने, ठीक है। फ्लोरे एंड चेन ने मेथड बताया कि इंडस्ट्रियली हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं पेनिसिलिन को, लार्ज क्वांटिटी हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं पेनिसिलिन की, वो किसने बताया, फ्लोरे एंड चेन को। तो इसी वजह से 1945 के अंदर फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चेन तीनों को नोबल प्राइज दिया गया मेडिसिन में, किसमें, मेडिसिन के अंदर, ठीक है। फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चेन तीनों को क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया इन मेडिसिन। फिर इससे पहले जो ये काम कर रहे थे, जो कि मैं आपको बता रही थी, इन्फ्लुएंजा वायरस, बेसिकली ये क्या देखना चाह रहे थे, देखो ये जो काम कर रहे थे ये देखना चाह रहे थे कि हमारी जो नेजल पार्ट है, ठीक है, या नेजल म्यूकस है उसके अंदर, या हमारे जितने भी नेचुरल सब्सटेंस है, जैसे कि नेजल म्यूकस जिसको हम बोलते हैं, तो वो जो नेजल म्यूकस है उसके अंदर क्या कोई एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो इन्होंने डिस्कवर किया था लाइसोजाइम फ्रॉम हिज नेजल डिस्चार्ज। जो नेजल डिस्चार्ज होता है, जब हमें कोल्ड हो जाता है उस टाइम पे जो नेजल डिस्चार्ज होता है उसके अंदर इन्होंने एक एंजाइम डिस्कवर किया जिसका नाम था लाइसोजाइम, ठीक है, 1922 के अंदर। तो इन्होंने जिसके अगेंस्ट ये देखा था, यानी कि किसके अगेंस्ट ये काम कर रहा था, माइक्रोकोकस स्पीसीज के अंदर, लाइसोडिकस के, ठीक है, जिसका नाम है, अब आजकल जो इसका नाम लिया जाता है वो क्या है, माइक्रोकोकस ल्यूटस। सो बेसिकली लाइसोजाइम इन्होंने किसमें से डिस्कवर किया, नेजल डिस्चार्ज से डिस्कवर किया। उस टाइम पे इनका जो मेन फोकस था, जिस पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो किस पर कर रहे थे, यानी कि जो
जब हमें कोल्ड होता है तो हमारा जो नेजल डिस्चार्ज है, यानी कि जो नेचुरल सब्सटेंस हमारे नोज से निकलता है, नेजल डिस्चार्ज जिसको हम बोल रहे हैं, या नेजल म्यूकस आप उसको बोल सकते हैं, क्या उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो इन्होंने पाया कि हाँ, उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसका नाम क्या आया, जो वहाँ से एंजाइम निकला वो क्या है, लाइसोजाइम। ठीक है, लेकिन जो लाइसोजाइम था उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी, वो बहुत कम ही बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर रहा था, यानी कि जो इसका एरिया था जिसके अंदर वो पैथोजेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सकता था, वो उसका एरिया इतना वास्ट नहीं था। ठीक है, ये जिस पर ये लाइसोजाइम एक्ट कर रहा था, ज़्यादातर माइक्रोब्स क्या थे, वो नॉन पैथोजेनिक थे। ठीक है, यानी कि नॉन पैथोजेनिक माइक्रोब पे वो काम कर रहा था। इसके बाद जब ये इसी चीज़ पे काम कर रहे थे, इसी के बाद जब इनका एक्सपेरिमेंट चल ही रहा था, इसी टाइम पे एक्सीडेंटली क्या हुआ, एक फंगल स्पोर आया। उस फंगल स्पोर ने क्या किया, फंगल ग्रोथ कर दी इनके बैक्टीरियल कॉलोनीज में, जिसके थ्रू क्या डिस्कवर हुई, पेनिसिलिन। ठीक है, अब बताओ इसमें कोई डाउट है? कहानी शुरू होती है आपके लाइसोजाइम से, जब ये इन्फ्लुएंजा वायरस पे काम कर रहे थे, यानी कि जो कि हमें कॉमन कोल्ड करते हैं वो वायरसेस या वो माइक्रोब्स। ठीक है, उस पर ये काम कर रहे थे, तो जो नेजल डिस्चार्ज निकलता है उसके अंदर ये देखना चाह रहे थे कि क्या उनके अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, क्या हमारी बॉडी के नेचुरल सब्सटेंसेस जो हैं उनके अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी का मीनिंग समझ में आया क्या होता है? एक शब्द में बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक है, एंटी मीन्स अगेंस्ट, माइक्रोबियल मीन्स माइक्रोब्स। ठीक है, यानी कि माइक्रोब के अगेंस्ट जो सब्सटेंस काम करता है, या माइक्रोब की ग्रोथ को कम करने में या उसको ख़त्म करने में जो सब्सटेंस काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो जो आपकी एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, जिस पर आप, जिसकी वजह से आप ठीक हो जाते हो, जब आप दवाई लेते हो तो आप ठीक हो जाते हो, वो क्या करती हैं, वो उस माइक्रोब को जो कि आपको डिजीज़ कोज कर रहा है, उसकी ग्रोथ को स्लो डाउन कर देती है, या उसकी पूरी ग्रोथ को ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो वो जो आपके सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं, जो ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं, जो एंटीबायोटिक हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं आपके सेलमेन ए वैक्समैन। तो जब एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी कर दी पेनिसिलिन की, तो फिर सेलमेन ए वैक्समैन को भी आइडिया है कि हाँ भाई, हम और भी चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं, और भी एंटीबायोटिक्स डिस्कवर कर सकते हैं। ओके ओके सुजाता, ठीक है, कि हम और भी चीज़ें, और भी एंटीबायोटिक डिस्कवर कर सकते हैं। तो सेलमेन एब्रेन वैक्समैन ने, का जो जन्म हुआ था 1888 के अंदर हुआ था, और 1973 में इनकी डेथ हो गई थी, जो क्या थे, एक ज्यूइश अमेरिकन थे। ठीक है, इन्वेंटर थे और ऑल्सो बायोकेमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जिनका काम था डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो कि आपके सॉइल के अंदर रहते हैं उनके ऊपर इन्होंने काम चल रहा था। ठीक है, एंड अनेबल द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड सेवरल एंटीबायोटिक्स। बेसिकली ये क्या थे, एक इन्वेंटर थे, अमेरिकन इन्वेंटर थे, बायोकेमिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जिनकी रिसर्च चल रही थी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे, दो जो कि कहाँ रहते हैं, सॉइल के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से डिस्कवरी हुई स्ट्रेप्टोमाइसिन और सेवरल अदर एंटीबायोटिक्स की। अभी तक जो दौर था उसमें सिर्फ एक ही ड्रग की डिस्कवरी हुई थी, एक ही एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी, वो है पेनिसिलिन। उसके बाद आपकी सेलमेन ए वैक्समैन आई, उन्होंने किसकी डिस्कवरी की, स्ट्रेप्टोमाइसिन की। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक है अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, ये चीज़ याद रखना, क्या है, फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक है अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो किसके अगेंस्ट काम करती है, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट काम करती है। तो ये जो एंटीबायोटिक है, ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रही थी ट्यूबरक्लोसिस को कम करने में, और बहुत अच्छे से इस ड्रग ने काम किया था। ठीक है, तो ये भी एक माइलस्टोन है हमारी माइक्रोबायोलॉजी का, जिसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी हुई, जो क्या कहलाती है, फर्स्ट एंटीबायोटिक अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस,
फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट ये क्या करती है, काम करती है। फिर इसके बाद इनके जो डिस्कवरी हुई, इसके बाद इन्होंने 1927 के अंदर, ठीक है, 1927 के अंदर इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, 1927 के अंदर इन्होंने क्या लिखी, बुक लिखी प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद इनकी जो डिस्कवरी हुई थी 1945 के अंदर, इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी की थी, जो किसके अगेंस्ट काम करती है, जो काम करती है आपके ट्यूबर क्लोसिस के अगेंस्ट। ठीक है, फिर जैसे ही इसकी डिस्कवरी हुई, स्ट्रेप्टोमाइसिन की जैसे ही डिस्कवरी हुई, उसके बाद भी इन्होंने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स को आइसोलेट किया, करेक्टराइज किया और उनको डिस्कवर किया। ठीक है, तो 10 ईयर के अंदर अंदर इन्होंने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स को आइसोलेट कर लिया, जिसमें आप नाम ले सकते हैं जैसे कि क्लेविन हो गया, कैंडिडिन हो गया, स्ट्रेप्टो थ्रीसिन हो गया। ठीक है, और इसमें से आपकी तीन जो है, तीन क्लिनिकल एप्लीकेशन में आपकी स्टार्ट हो गई थी एंटीबायोटिक्स, उनका नाम अभी मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, 1940 के अंदर आपकी एक्टिनोमाइसिन आई थी, फिर 1944 के अंदर आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन आई, 1949 के अंदर आपकी आई नियोमाइसिन। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें, इन्होंने बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं उनकी डिस्कवरी की थी, अप्रोक्स इन्होंने 18 एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया था विद हिज जनरल डायरेक्शन, यानी कि जो इन्होंने विद इन 10 ईयर्स इन्होंने क्या किया, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया और इनके ही डायरेक्शन में रह करके 18 एंटीबायोटिक्स और डिस्कवर हुई थी। ठीक है, तो इनका जो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी में है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ से बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है कि सेलमन ए वैक्समैन ने कौन सी एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी, वो कौन सी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन किसके अगेंस्ट काम करती है, ट्यूबर क्लोसिस के अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, 1952 के अंदर इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर फॉर इंजीनियस सिस्टमेटिक एंड सक्सेसफुल स्टडीज ऑफ सोइल माइक्रोब्स। इंजीनियस का मतलब क्या होता है आपका, ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल सिस्टमैटिक एंड सक्सेसफुल स्टडी जो इन्होंने की थी सोइल माइक्रोब के ऊपर, ठीक है, जिनकी वजह से डिस्कवरी हो पाई स्ट्रेप्टोमाइसिन की। तो बेसिकली इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया आपका किसमें, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर, जो कि इन्होंने काम किया सोइल माइक्रोब्स पे, और डिस्कवरी जो करी थी इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग की अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस उसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है सेलमन ए वैक्समैन का नाम, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग एंटीबायोटिक को इन्होंने डिस्कवर किया किसके अगेंस्ट, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट। 1952 के अंदर इन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर। ओके, और इसके साथ साथ इन्होंने 1927 के अंदर प्रिंसिपल ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी बुक भी लिखी है। ओके, और बहुत सारे ड्रग्स में इनका रोल रहा है, जैसे कि क्लेविन, कैंडिसीडिन और स्ट्रेप्टोथ्रेसिन। ठीक है, एक्टिनोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, इन सभी ड्रग्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है और इनकी ही जनरल डायरेक्शन में 18 एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुई हैं। अब बताओ इसमें कोई डाउट है, सेलमन ए वैक्समैन के अंदर? नेक्स्ट पे आ जाओ, लिवनवस्की पे। ठीक है, द्विमेति लिवनवस्की। ठीक है, ओके, तो जो लिवनवस्की थे वो क्या थे, एक रशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। कौन थे, रशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये इनका बॉर्न हुआ है 1864 के अंदर और इनकी जो डेथ हुई है 1920 के अंदर इनकी डेथ हुई है, जो कि एक रशियन बोटनिस्ट या माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप कह सकते हैं। दे डिस्कवर द वायरस, इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया वायरस को।
वन ऑफ द फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी, इसलिए इन्हें एक मतलब फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी में एक इनका नाम भी आता है, द्रिमिति लिवनवस्की का नाम भी आता है फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने ही डिस्कवरी की थी वायरसेस की, यानी कि शुरुआत जो हुई थी वायरस की डिस्कवरी में, वो उनमें सबसे पहला जो रोल है वो किसका है, द्रिमिति लिवनवस्की का। सो बेसिकली ये क्या काम कर रहे थे, 1890 की बात है, ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड द कॉज ऑफ ट्यूबर क्लोज और टोबैको मोजेक वायरस, ठीक है। 1890 में ये ट्राई कर रहे थे कारण ढूंढने का, किसका, टोबैको मोजेक डिजीज़ का, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, टोबैको लीव्स की जो टोबैको की लीव्स थी वो ख़राब हो रही थी, डिस्कलर हो रही थी, ठीक है। तो ये उसका कारण जानना चाहते थे कि जो टोबैको है, ठीक है, जो टोबैको का प्लांट है उसमें ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से उसकी पत्तियां ख़राब हो रही है, उसका प्लांट ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो वो उसका कारण जानने की उस टाइम पे कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, फ्रॉम अफेक्टेड लीव्स ही प्रिपेयर्ड ए सॉल्यूशन कंटेनिंग द इन्फेक्शियस एजेंट। तो इन्होंने क्या किया, उसकी पत्तियां तोड़ी जो कि अफेक्टेड थी, यानी कि जिनके अंदर डिजीज हो रखी थी, उन सभी लीव्स को इन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया। उस कलेक्ट करने के बाद एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। ये जो लीव्स हैं आपकी, उन लीव्स को क्या किया, मैश कर दिया, एक सॉल्यूशन फॉर्म कर दिया, ओके। एंड ही पास इट थ्रू ए न्यू काइंड ऑफ फिल्टर, और उसे पास किया किससे, न्यू काइंड ऑफ फिल्टर जिसका नाम है चैम्बरलैन फिल्टर, मेड ऑफ प्रोक्लेन विच हैज़ पोर सो स्मॉल इट कैन फिल्टर आउट बैक्टीरिया, इट कैन फिल्टर आउट बैक्टीरिया। सो बेसिकली इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया, बहुत सारी लीव्स को, जो अफेक्टेड प्लांट था, ठीक है, मान लो ये अफेक्टेड प्लांट है, इसकी लीव्स को क्या किया, कलेक्ट किया, ठीक है। फिर इसका क्या किया, एक सॉल्यूशन फॉर्म किया। इस सॉल्यूशन को इन्होंने बनाने के बाद क्या किया, फिल्टर लिया, चैम्बरलैन फिल्टर लिया, जिसके बहुत छोटे 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 से पोर्स थे, ठीक है, ये लिया। फिर इनका जो फिल्टर था उसमें क्या था, उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था, यानी कि जो उसके पोर्स थे बहुत छोटे छोटे पोर्स थे, ठीक है। अब इन्होंने जो ये फिल्टर ले रखा था, इस फिल्टर करके जो इन्हें सॉल्यूशन मिला, ठीक है, अब फिल्टर करके जो इन्हें सॉल्यूशन मिला, उस सॉल्यूशन को इन्होंने क्या किया, एक न्यू प्लांट लिया, मान लो ये न्यू प्लांट है, ठीक है, ये अच्छे वाला प्लांट है, इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया, इस सॉल्यूशन को इंजेक्ट कर दिया। जैसे ही इन्होंने इस सॉल्यूशन को इंजेक्ट किया इस प्लांट के अंदर, तो ऐसे ही क्या हुआ, इसकी जो लीव्स थी वो क्या हो गई, फिर से डिजीज़ होना उन लीव्स के अंदर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इन्हें क्या लगा कि कुछ ना कुछ ऐसे सब्सटेंस तो ज़रूर है इसके अंदर जिसकी वजह से क्या हो रही है, डिजीज़ हो रही है। सो लिवनवस्की फाउंड दैट आफ्टर पैसेज थ्रू द फिल्टर द सॉल्यूशन वॉज स्टिल फुली कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग मोर टोबैको प्लांट्स। इन्होंने सोचा था कि जो वो प्लांट से जो उन्होंने लीव्स ली हैं, जिसका सॉल्यूशन बना के इन्होंने फिल्टर कर दिया है, तो इसके अंदर जो भी इन्फेक्शियस एजेंट होगा, यानी कि मान लो बैक्टीरिया अगर एजेंट है, तो जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा, वो फिल्टर आउट हो जाएगा, मतलब वो जो ऊपर ऊपर रह जाएगा और नीचे का जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो बिना बैक्टीरिया बिना किसी इन्फेक्शियस एजेंट के मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो जो इन्हें सॉल्यूशन मिला, यानी कि फिल्ट्रेशन करने के बाद जो इन्हें सॉल्यूशन मिला, उसके पास पूरी पूरी कैपेबिलिटी थी कि वो दूसरे टोबैको प्लांट को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। सो मीनिंग दैट एजेंट वॉज मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो इससे क्या पता चला, यानी कि जो ये एजेंट है वो क्या हो रहा है, वो बैक्टीरिया से भी क्या है, छोटा है, ठीक है, बैक्टीरिया से क्या है, छोटा है। यहाँ पे क्या आएगा, इट कैन नॉट फिल्टर आउट द बैक्टीरिया, ठीक है, क्योंकि जो इन्होंने फिल्टर यूज़ करे थे उस वो क्या वो फिल्टर क्या करते थे, वो बैक्टीरिया को नीचे पास ऑन नहीं होने देंगे, ठीक है। यानी कि वो जो फिल्टर आप करोगे, नीचे जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसके अंदर आपके बैक्टीरिया पास ऑन नहीं होंगे, बैक्टीरिया क्या रह जाएंगे, आपके जो ऊपर वाली जो फिल्टर की लेयर है यहीं पर रह जाएंगी, नीचे जो सॉल्यूशन रखा हुआ है उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे, यानी कि नीचे का सॉल्यूशन आपका फ्री फ्रॉम बैक्टीरियाज मिलेगा, ठीक है।
लिवन वॉस के थॉट इट वॉज टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया. तो इन्होंने क्या सोचा कि अगर ये बैक्टीरिया नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसा टॉक्सिन है जो कि बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो जो टोबैको का प्लांट था, जो न्यू प्लांट था, वो भी क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया. 1998 के अंदर डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिसका नाम था मार्टिनस बेजरिंग, ठीक है, उन्होंने ये खुद से इंडिपेंडेंटली ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और अनाउंस किया कि ये जो न्यू इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, वायरस है. ठीक है, मार्टिनस विलियम बेजरिंग को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी जल्दी ही, आप उसको देख लेना. तो बेसिकली जो वायरस जो टर्म है वो किसने दी है, मार्टिनस बेजरिंग ने. ठीक है, मार्टिनस बेजरिंग ने ही क्या बताया कि ये जो न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है इसका क्या नाम है, आपका वायरस नाम है. ठीक है, तो लिवनवस्की क्या कर रहे थे, लिवनवस्की काम कर रहे थे आपके कारण ढूंढने में कि टोबैको जो प्लांट है उसकी जो लीव्स हैं, ठीक है, यानी कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़ जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है, उसका कारण ढूंढने की वो कोशिश कर रहे थे. तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्फेक्टेड लीव्स ली, उन इन्फेक्टेड लीव्स का सॉल्यूशन बनाया. सॉल्यूशन बनाने के बाद एक चैम्बरलेन फिल्टर लिया, वो फिल्टर ऐसा था कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो पास ऑन नहीं करेंगे. ठीक है, यानी कि इस फिल्टर से बैक्टीरिया पास नहीं करेंगे, जितना भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे. ठीक है, इस फिल्टर पे ही रह जाएंगे, वो नीचे नहीं जाएंगे जो सॉल्यूशन नीचे रखा हुआ है. तो फिर उन्होंने क्या किया, वो जो नीचे वाला सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन को लिया और फिर से एक न्यू हेल्थी प्लांट के अंदर उसको इंजेक्ट किया. ठीक है, जैसे ही उसके अंदर इंजेक्ट किया, रिजल्ट क्या आना चाहिए था वहाँ पे, जैसे वो सोच रहे थे बैक्टीरिया का, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए था आपका, रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए था, यानी कि कोई भी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए थी उस टोबैको प्लांट के अंदर. लेकिन क्या हुआ, जैसे इन्होंने उस सॉल्यूशन को उस न्यू प्लांट, न्यू हेल्थी प्लांट के अंदर, टोबैको न्यू हेल्थी प्लांट के अंदर इंजेक्ट किया, ऐसे ही क्या हुआ, उस टोबैको प्लांट की जो लीव्स हैं वो क्या हो गई, फिर से क्या हो गई, उस लीव्स के अंदर डिजीज़ होना स्टार्ट हो गई. ठीक है, तो ये जो डिजीज़ इनको हुई है, तो इन्होंने क्या सोचा कि बैक्टीरिया ने कोई ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रखा है जिसकी वजह से ये जो लीव्स हैं उनके अंदर डिजीज़ हो रही है. ठीक है, तो उन्होंने उसको क्या बोला था, उस सब्सटेंस को, कोई टॉक्सिन है जो कि बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया है. लेकिन इसके बाद आपके 1898 के अंदर मार्टिनेस बेजरिंग ने बताया, जब ये एक्सपेरिमेंट खुद से परफॉर्म किया, कि नहीं, ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है ये कोई बैक्टीरिया या बैक्टीरिया का टॉक्सिन नहीं है, इसका क्या नाम है, ये एक इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा है, जिसका क्या नाम है, वायरस है. ठीक है, बेजरिंग का पूरा आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. अब मुझे बताइए कि आपको इसके अंदर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं तीनों साइंटिस्ट में. तीनों साइंटिस्ट में भी किसी में भी कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. बेजरिंग का भी हम स्टार्ट करेंगे, बेजरिंग को छोड़ के आपके द्विमिति लिवनवस्की, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सेलमेन वैक्समैन, तीनों का. ओके, ठीक है, फिर क्लास ऑफ करते हैं.